Nope. चलो बच्चा सफाई करने के लिए तैयार हो जाओ। हे जेके आओ सुपरमैन गाते हैं। नहीं यार हम बहुत थक गए हैं, हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। Nope. नहीं बिल्कुल नहीं। शुरू करें। सफाई हम लोग कर देंगे, आप आइसक्रीम खा सकते हैं। आप लोग कुछ गर्म कपड़े पहन लें और जिन्होंने अपना लेटर लिखना है वो अपना लेटर कंप्लीट कर लें। हे जिसने लेटर नहीं लिखा वो पहले लेटर लिखो। हाँ मैं नहीं लिखा। सुनो चेहो भाई, आज जब हम लोग कोई पोएम पढ़ते हैं तो आखिर में उसके आम तौर पर सेंटेंस किस तरह से खत्म होते हैं? क्या मैं समझ गया। को खत्म करने के लिए ये फायर कैंप बेस्ट है। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारी क्लास बड़ी हो रही है ये फायर कैंप भी बड़ा हो रहा है। ओ, क्या ये बड़ी क्लास है? हाँ मैंने कभी इतना बड़ा फायर कैंप नहीं देखा। हाँ लेकिन मैंने देखा हुआ है, जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था इतना ही बड़ा फायर कैंप था। मुझे ये बताओ कि एक फायर कैंप दूसरे से इतना बड़ा हो सकता है? तो क्या वहाँ लोग बैठ के बातें करेंगे फिर? अरे यार मुझे तो नहीं लगता कि मैं ये पढ़ सकूंगा। सच में मुझे बहुत शर्म आ रही है। जीवित क्या तुम फायर कैंप की तरह चल रहे हो? हाँ मेरा तो दिल से चलाने का कर रहा है। अरे अभी ज्यादा देर नहीं है, तुम इसे फेंक सकते हो। हाँ सच में ये बहुत एम्बैरेसिंग है, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताने में कितनी शर्म आती है। आई होप कि मेरी पॉइंट तुम लोगों को पसंद आए। हाँ छोटा होने के नाते मैं तुम्हारी पॉइंट के लिए बहुत क्यूरियस हूँ। हम सब जानना चाहते हैं कि तुमने कैसी पॉइंट लिखी है। तो क्यों ना पहले जीवित की पॉइंट को चेक किया जाए। नहीं नहीं पहले बड़े मेंबर्स की पॉइंट चेक करो। लोग पेपर सीजर करके डिसाइड करते हैं कि पहले कौन खेलेगा। तो इस गेम में जो जीतेगा वो पहले अपनी पॉइंट रीड करेगा। ठीक है एज के हिसाब से जंकू को जिंक लेते हैं। ठीक है अब तुम लोग डिसाइड करोगे। ओके ओके। ओ लेकिन मैं तो बीच में हूँ। हाँ बड़े मेंबर्स जीत के तो बड़ा से स्टार्ट होगी। ओ जंकू जीत गया। यार मैंने ऐसा क्यों किया।